गाइस मेरा नाम है तुषार। गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्री इमेज होस्टिंग साइट से अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर ट्रैफिक कैसे ले जा सकते हैं। प्लस गाइस आपको इन इमेज होस्टिंग साइट से अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए बैकलिंक्स भी मिलेंगे। अब गाइस हो सकता है वो बैकलिंक्स नो फॉलो हो या फिर डू फॉलो हो, लेकिन गाइस आपको यहाँ से बैकलिंक्स जरूर मिलेंगे। अब गाइस इन इमेज होस्टिंग साइट में अपनी इमेज को सबमिट करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपकी इमेज हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, मतलब आपकी इमेज क्लियर दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी इमेज के जो पिक्सल्स हैं वो फट रहे हैं। गाइस दूसरी बात, आपकी इमेज यूनिक होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने किसी और की वेबसाइट या ब्लॉग से इमेज को उठाया और इन फ्री इमेज होस्टिंग साइट्स में जाकर के सबमिट कर दिया। अब गाइस मान लो आपने पिक्सआवे जैसी वेबसाइट से इमेजेस को लिया है, एंड गाइस अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि पिक्सआवे पे हमें हाई क्वालिटी की नो कॉपीराइट वाली इमेजेस मिलती हैं। लेकिन गाइस उन इमेजेस को भी आप डायरेक्टली इन वेबसाइट्स में जाकर के सबमिट नहीं कर सकते। इन इमेजेस में आपको पहले कुछ एडिटिंग करनी पड़ेगी, मतलब आप चाहें तो थोड़ा बहुत साइज में चेंज कर दें या फिर कलर चेंज कर दें, उसमें थोड़ा बहुत टेक्स्ट लगा दें। एंड गाइस ये सब करने के बाद आप इन इमेजेस को फ्री इमेज होस्टिंग साइट्स में जाकर के सबमिट कर सकते हैं। एंड गाइस तीसरी बात, जब आप इमेज को सेव कर रहे होंगे या फिर डाउनलोड कर रहे होंगे, तब गाइस आपको उस इमेज का नेम जरूर चेंज करना है। एंड गाइस आप चाहें तो अपने फोकस की फ्रेज को या फिर मेन कीवर्ड को नेम में डाल सकते हैं। अब गाइस कौन-कौन सी फ्री इमेज होस्टिंग साइट्स पर जाकर के आपको इमेज को सबमिट करना है, तो गाइस उन साइट्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप एक एक वेबसाइट पर जाकर के अपनी इमेज को सबमिट कर सकते हैं, एंड देन गाइस आपको वहां से ट्रैफिक भी मिलेगा और बैकलिंक्स भी मिलेंगे। अब गाइस आपको डेमो देने के लिए मैं इनमें से किसी भी एक फ्री इमेज होस्टिंग वेबसाइट पर जाकर के आपको इमेज सबमिट करके दिखाऊंगा। एंड गाइस सिमिलर तरीके से आपको बाकी सारी इमेज होस्टिंग साइट्स पर भी जाना है एंड अपनी इमेज को सबमिट करना है। अब गाइस ये सब कैसे होगा, गाइस ये तो मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलकर ही बता पाऊंगा, मगर गाइस उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर गाइस आप मेरे चैनल में नए हो तो गाइस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहें। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप इमेज होस्टिंग साइट पर जाकर के अपनी इमेजेस को सबमिट कैसे करेंगे। अब गाइस ये वो वेबसाइट्स हैं जिनमें जाकर के आपको अपनी वेबसाइट या ब्लॉग या फिर यूट्यूब की इमेजेस को सबमिट करना है। तो गाइस इनमें से मैं कोई भी एक वेबसाइट ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ tumblr.com। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं एंटर करूंगा। अब गाइस ये हम tumblr.com वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगा tushar.balchandani737@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी पासवर्ड डाल दूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं यूजर नेम डाल दूंगा, उसके बाद मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा। अब गाइस यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर यू, तो यहाँ पे मैं अपनी एज डाल दूंगा 23। उसके बाद मैं यहाँ पे टिक करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करूंगा। अब गाइस यहाँ पे लिखा है व्हाट आर यू इनटू, उसके बाद लिखा है टेल अस व्हाट यू लाइक एंड वी विल गेट यू द गुड स्टफ। यानी गाइस यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ कैटेगरीज चूज करनी है, तो यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ स्टूडेंट, राइटर्स, टेक्नोलॉजी, होम एंड लाइफस्टाइल, एजुकेशन, बिजनेस, गैजेट्स। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब गाइस ये मेरा टम्बलर का डैशबोर्ड क्रिएट हो चुका है। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो, इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब गाइस यहाँ पे लिखा है अपलोड फोटोज, तो गाइस अगर आपके पीसी यहाँ पे डेस्कटॉप में कोई इमेज है जिसे आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो गाइस आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन भी दिया हुआ है एड फोटो फ्रॉम वेब, मतलब गाइस अगर आपकी कोई वेबसाइट है या ब्लॉग है या फिर यूट्यूब चैनल है एंड गाइस आप वहां से डायरेक्टली इमेज का URL कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो गाइस आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब गाइस ये मेरी वेबसाइट है एंड गाइस यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा एंड गाइस यहाँ पे लिखा है कॉपी इमेज एड्रेस, इस पे मैं क्लिक करूंगा। वापस से मैं टम्बलर पे आऊंगा एंड यहाँ पे मैं ऐड फोटो फ्रॉम वेब पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं इमेज एड्रेस को पेस्ट कर दूंगा। अब गाइस यहाँ पे मेरी इमेज आ चुकी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अ कैप्शन इफ यू लाइक, तो गाइस मेरे आर्टिकल का जो टाइटल था उसको मैं कॉपी करूंगा एंड गाइस यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको हैशटैग्स लगाने हैं। अब गाइस आप हैशटैग में अपने मेन कीवर्ड को भी डाल सकते हैं और आपके मेन कीवर्ड से रिलेटेड जो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं उनको भी आप हैशटैग बना करके डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा मेन कीवर्ड
है बेस्ट वैक्यूम क्लीनर, तो यहाँ पे मैं हैशटैग डालूंगा और उसके बाद लिख दूंगा बेस्ट वैक्यूम क्लीनर, उसके बाद मैं फिर से हैशटैग लगाऊंगा। अब लिख देते हैं बेस्ट वैक्यूम क्लीनर इन इंडिया, अब एक और हैशटैग लगाएंगे, अब लिख देंगे बेस्ट वैक्यूम क्लीनर इन इंडिया 2020। अब गाइस आपकी वेबसाइट के जिस आर्टिकल या फिर पोस्ट की आप इमेज डाल रहे हैं उसमें गाइस आपने टैग्स तो डाले ही होंगे, तो गाइस आप चाहें तो हैश लगा करके उन टैग्स को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड गाइस अगर आप अपनी यूट्यूब वीडियो का थंबनेल यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं तब गाइस आप अपनी उस यूट्यूब वीडियो के टैग्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आप जैसे ही इमेज पे आएंगे गाइस यहाँ पे आपको कॉर्नर में लिंक का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग के आर्टिकल का यूआरएल डाल देना है, तो गाइस यहाँ से मैं यूआरएल को कॉपी करूंगा एंड गाइस यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं डन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा। अब गाइस मेरी इमेज पोस्ट हो चुकी है। अब गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से मुझे मेरे आर्टिकल के लिए बैकलिंक मिल गया। एंड गाइस कोई भी इस पे क्लिक करेगा तो वो सीधे सीधे मेरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, तो गाइस इस तरीके से मुझे यहाँ से ट्रैफिक भी मिलेगा और बैकलिंक्स भी मिलेंगे। अब गाइस मैं आपको एक बार इसका ट्रैफिक भी चेक करा देता हूँ। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रैफिक है वो है 314 मिलियन, जो कि गाइस बहुत ज्यादा है। एंड गाइस इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें यहाँ से कितना सारा ट्रैफिक मिलने वाला है। अब गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो कर रहा है, ऑल द फाइनेस्ट टम्बलर यूजर्स वेरीफाई देयर ईमेल एड्रेस, चेक योर इनबॉक्स फॉर द मैसेज वी जस्ट सेंट। अब गाइस आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे टम्बलर की तरफ से एक ईमेल आया है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज मी, इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब गाइस मेरा टम्बलर का अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस। गाइस सिमिलरली आपको बाकी सारी वेबसाइट्स में भी जाकर के इमेजेस को सबमिट करना है। एंड गाइस ये सारी की सारी वेबसाइट्स जो मैंने आपको बताई इन सभी का डीए पीए और स्पैम स्कोर बहुत ही अच्छा है और गाइस इनका ट्रैफिक भी बहुत हाई है, तो गाइस इसीलिए आपको ट्रैफिक भी बहुत अच्छा मिलेगा इन वेबसाइट से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहें।